नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई इनवॉइस से रिलेटेड। ई इनवॉइस की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, कैसे आपको पता चलेगा कि इस ईयर में आपका जो टर्नओवर है मोर देन 10 करोड़ हो गया है, तो कैसे आपको क्या आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ई इनवॉइस की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ई इनवॉइस की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर क्या है, एग्रीगेट ईयर क्या है, यानी कि जो ई इनवॉइस बनाने के लिए टर्नओवर है तो वो किस किस पीरियड के लिए है एंड कौन कौन से प्रीवियस ईयर को आपको कैलकुलेट करना है, देखना है, तो वो सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। विथ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, सो दैट ई इनवॉइस से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वायरी आपके माइंड में ना रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक डिटेल प्रिपेयर किया है जिसमें कि ईयर मेंशन है एंड टर्नओवर इन करोड़ मेंशन है। आप यहां देख सकते हैं 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यहां पे ईयर मेंशन है एंड उसी के आगे आप यहां पे देख सकते हैं टर्नओवर। तो आपको ई इनवॉइस के लिए कैलकुलेशन कब से करनी है, प्रीवियस ईयर कब से करना है, तो जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है 2017 से लेके अभी तक आपको जितने भी प्रीवियस ईयर गए हैं उन सारे प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर की है 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो यहाँ आप देख सकते हैं किसी भी एक बिज़नेस का, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो किसी भी बिज़नेस का 17-18 में 8 करोड़ टर्नओवर है, 18-19 में 7 करोड़ है, 19-20 में 10 करोड़ है एंड 20-21 में 12 करोड़ है, 21-22 में 5 करोड़ है एंड 22-23 में 9 करोड़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर के साथ टर्नओवर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर में देखना है कि किस किस प्रीवियस ईयर में आपका बिज़नेस का टर्नओवर कितना कितना करोड़ है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको पता है कि जो ई इनवॉइस बनाने के लिए जो टर्नओवर की लिमिट की गई है वो अप कर दी गई है 10 करोड़। तो यहाँ पे जो टर्नओवर लिमिट है 10 करोड़ तक है, अगर किसी भी प्रीवियस ईयर में 2017 से लेके अभी तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपके बिज़नेस का टर्नओवर 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 10 करोड़, 20 एंड 21 में 12 करोड़ है, यानी कि अब यहाँ पे ये जो बिजनेसमैन है ये एलिजिबल है ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए। आप देख सकते हैं जो करेंट ईयर है इसमें 9 करोड़ इनका टर्नओवर है। इट डजेंट मैटर अगर करेंट ईयर में कम है, लेस देन 10 करोड़ है एंड प्रीवियस ईयर में मोर देन 10 करोड़ है, जो लिमिट है वो क्रॉस है, तो भी आपको यहाँ पे ई इनवॉइस जनरेट करना है। कब से करना है, 1 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पे हमने पहली कंडीशन देखी जिसमें कि करेंट ईयर में यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ है बट प्रीवियस ईयर में है तो भी आपको यहाँ पे ई इनवॉइस जनरेट करना होगा 1 अक्टूबर 2022 से। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। तो सेकेंड कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर मेंशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 सारा है एंड उसके आगे आप देख सकते हैं बिज़नेस का टर्नओवर 17-18 में 8 करोड़, 18-19 में 7 करोड़ बिज़नेस का टर्नओवर है, 19-20 में 9 करोड़, 20-21 में 7 करोड़ एंड 21-22 फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़, 22-23 में 12 करोड़। यानी कि आप जो प्रीवियस ईयर देख सकते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर हैं यहाँ पर किसी में भी 10 करोड़ का जो टर्नओवर लिमिट है वो क्रॉस नहीं हुआ है, बट ये जो करेंट ईयर चल रहा है 2022 एंड 23 इसमें यहाँ जो बिज़नेस का टर्नओवर है वो 12 करोड़ है
अब आपको क्या करना है, अब आप ये सोचेंगे कि क्या हमें अब ई इनवॉइस जनरेट करना है, तो आपको अभी ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है। अगर एग्जिस्टिंग यानी कि जो करेंट 2020-23 में अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ से एग्जीड करता है तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है 1 अप्रैल 2023 से। अभी आपको नहीं करना है क्योंकि ये जो 2022-23 अभी तो रनिंग चल रहा है, इसीलिए आपको इसका ई इनवॉइस जनरेट करना स्टार्ट करना है 1 अप्रैल 2023 से। तो ये कंडीशन, सेकेंड कंडीशन है जो हमने देखी कि प्रीवियस ईयर में अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ है बट एग्जिस्टिंग करेंट ईयर में अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर क्रॉस कर चुका है 10 करोड़ या फिर मोर देन 10 करोड़ से, तो आपको 1 अप्रैल 2023 से ई इनवॉइस जनरेट करना है। अब थर्ड कंडीशन अब देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन आप देख सकते हैं, मैंने चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया है। अगेन यहाँ पे ईयर मेंशन है, टर्नओवर इन करोड़ में मेंशन है। आप यहाँ देखेंगे 17-18 में 4 करोड़ है, 18-19 में 7 करोड़ है, 19-20 में 9 करोड़ है, 2020-21 में 12 करोड़ है, 21-22 में 5 करोड़ है एंड जो करेंट चल रहा है ईयर 22-23 में 9 करोड़ है। तो अब यहाँ पे देखिए, प्रीवियस ईयर में आपका जो बिजनेस है वो मोर देन 10 करोड़ क्रॉस कर चुका है बट अभी करेंट ईयर में आपके बिजनेस का टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ है, फिर भी आपको यहाँ पे ई इनवॉइस जनरेट करना है 1 अक्टूबर 2022 से। तो यहाँ पे हमने 3 केसेस देखे, 3 कंडीशन देखे, मैंने आपको यहाँ पे चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया इस कंडीशन में आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है, कब से करना है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट्स से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट्स रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस को कवर करने की मैंने अपने चैनल में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना है, GST नंबर लेना है, GST रिटर्न फाइल करवानी है, ITR रिटर्न फाइल करवानी है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है, TDS रिटर्न फाइल करवानी है, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी सर्विस लेनी है, तो आप हमारी अकाउंट सर्विस को परचेस कर सकते हैं विथ मिनिमम चार्जेस। स्क्रीन पर नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, वो हमारा ऑफिशियल नंबर है। उस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको पूरी तरीके से सहायता की जाएगी। जिस भी टाइप की अकाउंट से रिलेटेड आप सर्विस लेना चाहते हैं विथ मिनिमम चार्जेस आप परचेस कर सकते हैं हमसे एंड हमारी अकाउंट्स की सर्विस को ले सकते हैं।